HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्षय कुमार की चर्चित फिल्म एयरलिफ्ट के रियल लाइफ हीरो और नामचीन कारोबारी मथुनी मैथ्यूज का शनिवार को कुवैत में निधन हो गया। 1990 में कुवैत पर इराकी हमले के दौरान फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मैथ्यूज की भूमिका बेहद अहम रही थी। कुवैत के मशहूर कारोबारी मैथ्यूज 81 साल के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। शनिवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। वह केरल के पाटनाम थीटा जिले के कुम्बानाड़ के रहने वाले थे। केरल के CMP विजय ने बॉलीवुड की फिल्म एयरलिफ्ट की प्रेरणा रहे मैथ्यूज के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने कहा कि 1990 में कुवैत पर इराकी हमले में फंसे हजारों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने में उनकी भूमिका को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने उस दौरान अपनी जिंदगी और संपत्ति की कोई परवाह नहीं की और खुद को भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के काम में झोंक दिया। हजारों फंसे हुए भारतीयों के लिए उन्होंने भोजन, पानी और सुरक्षित जगह की व्यवस्था की। इस लड़ाई में अपना सब कुछ गंवा कर हजारों भारतीय उनकी बदौलत ही वहां से सुरक्षित निकल सके। आज भी लोग उनकी इस मदद को याद करते हैं। गौरतलब है कि 1990 में कुवैत पर इराक के हमले के दौरान बड़ी तादाद में भारतीय वहां फंस गए थे। उस दौर के VP सिंह सरकार ने 1.5 लाख भारतीयों को वहां से विमान के जरिए स्वदेश पहुंचाया था। उस दौरान सरकार के इस अभियान को अंजाम देने के लिए मैथ्यूज ने भारत के गैर आधिकारिक प्रतिनिधि की तरह काम किया था। कुवैत में उन्होंने ही इस अभियान का सफल संयोजन किया था।